अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए वैरायटी बनाने जा रहे हैं मीठे में, जिसका नाम है जलेबी पुडिंग। ये मैंने एक दावत पे खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और वहाँ पर जो मेरी फ्रेंड हैं जो होस्ट थी उन्होंने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो मैं चाहती थी कि मेरे व्यूज़ भी इसको ट्राई करके देखें। समथिंग डिफरेंट है और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, कम चीज़ों में। और आपका डिज़र्ट तैयार। सबसे पहले काम, आपको एक ब्लेंडर चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे ओवन में बेक करूँगी, तो आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 4 पर, ठीक है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप एक हांडी जो है चूल्हे पर रखते हैं और उसे आपने कवर कर कर उसे 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर उसको गर्म कर लेते हैं, वो एक ओवन की तरह बन जाता है। फिर बीच में आप एक स्टैंड रखकर ये डिज़र्ट बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने किस तरीके से इसकी तैयारी करनी। तो आपको एक ब्लेंडर चाहिए, उसमें आप डालेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून है मेरे पास, शुगर जाएगी 3/4 कप, आप कम या ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपको क्वांटिटी बता रही हूँ इसके हिसाब से चीनी सही रहती है। दूध आपको यहाँ पर जो है इस्तेमाल करना है 1 kg मिल्क है मेरे पास, तो ये दूध चला गया बीच में। और बीच में जाएंगे 6 अदद अंडे, ठीक है। तो ये आप बीच में एग्स डालते हैं, और ये डालने के बाद आपने इन सबको अच्छे से ग्राइंड करना है कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, जलेबी आप लेकर के आते हैं, ठीक है। बाजार से ले लें, घर पर बनाने आपकी अपनी चॉइस है, घर पर बनाने भी आपको सिखाई हुई लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगी, लेकिन मैंने जो है बाजार से जलेबी ली थी तो बच गई थी। तो कोई भी चीज़ हो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो एक ये रेसिपी मुझे मिल गई और ये बहुत मज़ेदार बनती है यकीन जाने। तो ये मेरे पास यहाँ पर तकरीबन आधा किलो जितनी जलेबी है, इसे मैंने पायरेक्स की डिश में डाला हुआ है। अगर ये नहीं है तो आप जो आपको फॉइल के मिल जाते हैं, ठीक है, ट्रेज, आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। हल्का सा उसको ग्रीस कर लें। तो ये यहाँ पर जलेबी मैंने नीचे लगा ली हुई है, और उसके बाद ये जो मिक्सचर है ये तमाम आपने जलेबी के ऊपर पोर कर देना है। इसके ऊपर पोर कर लेने के बाद आप इसे उठाते हैं, और प्री हीटेड ओवन, या फिर इसे मैंने आपसे कहा कि अब हांडी, दोनों में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओवन में डालूंगी और इसे बेक करूंगी फॉर अबाउट 40 to 45 मिनट्स रफली, जब तक क्या देखेंगे ऊपर से ये अच्छे से सेट हो जाता है। आप हल्का सा बीच में किसी भी शार्प चीज़ के साथ उसको चेक करते हैं तो वो जो है सेट हो गई होती है। अगर आपको लगता है कि ओवन के अंदर जब आप उसको बेक कर रहे हैं ऊपर से जल्दी होना शुरू हो गया, तो आपको इसका टिप यहाँ पर दे देती हूँ। आप फॉइल लेते हैं, और फॉइल इसके साथ नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर ऊपर आपने जो है उसे लगा लेना है, और फिर उससे ये होता है कि अंदर तक बेक हो जाएगा लेकिन ऊपर से जल्दी जलता नहीं है। ये आप केक पर भी कर सकते हैं, कपकेक्स बना रहे हैं उस पर भी आप ये जो है ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे किसी डिजर्ट पे जो आप उसको बेक कर रहे हैं। इसे बेक करते हैं फिर आपको दिखा, तो देख लें। बेक हो जाने के बाद आप इसे रखेंगे यहाँ पर ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और जैसे ही थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आता है तो आप इसके ऊपर जो है बादाम डालें, पिस्ते, जो आपका दिल चाहता है। मैं यहाँ पर 7-8 मैंने बादाम लिए, उनको मैंने स्लाइस कर लिए। इसे आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, वार्म भी सर्व करते हैं, हॉट भी सर्व करते हैं, बहुत मज़ा आता है तीनों तरीकों से। तो ये कि इसको जो है यहाँ पर आपको दिखा दिया, अब इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व अपनी चॉइस पे आप करेंगे। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट विच इज़ इन इंग्लिश, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।